हेलो एवरीवन, कल हम जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे कल की क्लास में, उस पर बेस्ड आज हम उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखा है कि किसी लिक्विड के 100 मीटर क्यूब का द्रव्यमान, यानी कि उसका मास 50,000 केजी है, तो लिक्विड का डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब और इसका मास दिया हुआ है 50,000 केजी। तो इसका डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी हो जाएगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि 50,000 अपॉन 100, 500 केजी पर मीटर क्यूब। फिर हम स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक वेट हम बताए थे, इसको हम लोग ओमेगा या गामा से रिप्रेजेंट करते थे। तो इसका वैल्यू हो जाएगा रो इंटू जी। जी का वैल्यू हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर ले ले तो रो का वैल्यू है 500 इंटू जी का वैल्यू 10, तो क्या हो जाएगा? 5,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपका स्पेसिफिक डेंसिटी ज्ञात करने के लिए। तो स्पेसिफिक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जिसे हम लोग एस या जी से रिप्रेजेंट करते थे, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड हम वाटर को लेते थे। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अभी हम कैलकुलेट किए हैं 500, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर का 1,000 होता है, तो ये इसे कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 0.5। और नेक्स्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, इस कल एक रिलेशन पढ़े थे कि स्पेसिफिक वॉल्यूम डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये 1/ρ हो जाएगा, 1/500। रुकिए, इसको कैलकुलेट करते हैं। वन डिवाइडेड बाई 500 तो आएगा आपका 0.002 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, अब इसके बाद कल जो हम एक रिलेशन देखे थे, स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के, और उसका प्रोडक्ट 1 के बराबर होता है, उसको आज हम प्रूफ करेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किए थे और डेंसिटी को रो इज इक्वल टू 1, इस रिलेशन को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता था? वॉल्यूम अपॉन मास। ठीक है, और डेंसिटी क्या होता था? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका अगर हम यूनिट लिखने जाएं तो ये मीटर क्यूब अपॉन केजी होगा और इसका यूनिट होगा केजी अपॉन मीटर क्यूब, तो ये कट जाएगा और आ जाएगा वैल्यू 1। तो इसीलिए स्पेसिफिक वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का रिलेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उसका प्रोडक्ट 1 आ गया। ठीक है, इसके बाद कल जैसा हम बोले थे वैसे स्टार्ट करेंगे कोहेशन और एडहेशन, यानी कि ससंजन और आसंजन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कोहेशन को हम ससंजन कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कि जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसके मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी कि ये इसके कण हैं।
और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है, इसी को हम फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही पदार्थ के, एक ही सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एक ही सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं, उसी को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। यानी वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ कोहेजन। मर्करी और मर्करी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑफ कोहेजन है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एडहेसिव फोर्स को, एडहेशन को। एडहेशन यानी कि आसंजन हम पढ़ेंगे, ठीक है। एडहेशन को हम आसंजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आसंजन क्या होता है? आसंजन एक ही नहीं, आसंजन में दो अलग अलग पदार्थ लिए जाते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको हम लोग एडहेसिव फोर्स या आसंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये दोनों जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इसको हम लोग एडहेसिव फोर्स कहेंगे। इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ये एडहेसिव फोर्स लग रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें ग्लास का, ठीक है, ग्लास और वाटर, ठीक है। मान लीजिए इसमें पानी भरा है, तो जब पानी को हम ग्लास में डालते हैं तो पानी ग्लास से चिपक जाता है, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फोर्स एडहेसन का एग्जाम्पल है, यानी आसंजन का एग्जाम्पल है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स और इस ग्लास में कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ एडहेशन, ठीक है, एडहेशन फोर्स लग रहा है। और अगर हम मरकरी को लें और उसको एक ग्लास ट्यूब में डालें तो मरकरी जो होता है वो ग्लास से नहीं चिपकता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो एडहेसिव फोर्स होता है, एक मरकरी और ग्लास जो दो अलग अलग सब्सटेंस है तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और मरकरी और मरकरी जो मॉलिक्यूल है इन दोनों में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो अगर हम मरकरी के केस में कंसिडर करते हैं तो फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स जो होता है एचजी के केस में वो एडहेसिव फोर्स से अधिक होता है, जिसके वजह से मरकरी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज़्यादा फोर्स से चिपके रहते हैं और वो ग्लास से नहीं चिपकते, क्यों? क्योंकि उसमें एडहेसिव फोर्स कम रहता है कोहेसिव फोर्स से कंपेयर करने पर, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया इसका। अगर हम इसको रन, अगर हम HG और HG को कंसिडर करेंगे और वाटर को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ कोहेजन। इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और अगर हम HG और ग्लास को कंसिडर करें और वाटर और ग्लास को कंसिडर करें, ठीक है, तो इसमें एडहेसिव फोर्स लग रहा है और इसमें भी एडहेसिव फोर्स लग रहा है। अगर हम मरकरी को ग्लास में डालते हैं तो वो ग्लास से नहीं चिपकता, जबकि हम वाटर को ग्लास में डालते हैं तो वो पानी जो होता है वो ग्लास से चिपक जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें एडहेसिव फोर्स अधिक होता है HG के कंपैरिजन में, ठीक है। और अगर HG और HG का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो अधिक होता है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए HG और HG को मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है वाटर के कंपैरिजन में। तो ये हम एक नोट पॉइंट में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेशर। तो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, जिसको हम हिंदी में दाब कहते हैं, ठीक है। प्रेशर यानी दाब, ठीक है। प्रेशर दाब क्या होता है? यूनिट एरिया पर लगाए गए बल यानी फोर्स को दाब कहते हैं, ठीक है।
यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूनिट एरिया ए है, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का यूनिट एरिया ए है, उस पर अगर फोर्स एफ लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि उसका जो प्रेशर या प्रेशर इंटेंसिटी क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। किसी यूनिट एरिया पर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम प्रेशर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है और इसका एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे एक पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं सी, ठीक है। अब पॉइंट ए पर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, पॉइंट बी पर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं, लेकिन पॉइंट ए और पॉइंट बी पर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स के फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ पानी के कण के फोर्स लग रहे हैं ए और पे और बी पर, ठीक है। तो इसका चारों तरफ से इसके फोर्स लग रहे हैं, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, पॉइंट ए और बी पर चारों तरफ से फोर्स लगने के कारण इस पर जो नेट फोर्स होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। और पॉइंट सी को जब हम देखते हैं तो पॉइंट सी यहाँ पर है ऊपर, यानी कि ऊपर एयर का भी प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर से भी एक फोर्स आ रहा है और नीचे जो है पॉइंट सी पर वाटर के मॉलिक्यूल्स का भी फोर्स लग रहा है, यानी कि पॉइंट सी पर ऊपर से एडहेशन फोर्स लग रहा है। एडहेशन फोर्स क्या होता है, यानी कि आसंजन क्या होता है, दो अलग अलग पदार्थों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जो आकर्षण बल लगता है, उसको हम एडहेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, दूसरा ये वाटर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, तो पॉइंट सी पर दो ठे फोर्स लग रहा है, इसको हम लोग फोर्स ऑफ कोहेजन कहेंगे। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ एडहेशन लग रहा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ कोहेजन लग रहा है, यहाँ पे आसंजन लग रहा है, ठीक है। तो इसके बाद तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कोहेसिव फोर्स लगने के कारण ये जो सरफेस होता है, देखिए फोर्स ऑफ एडहेशन से फोर्स ऑफ कोहेजन अधिक हो जाता है, ठीक है। तो उसके वजह से यहाँ पे जो सरफेस होता है ये ऐसे बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग कॉनकेव सरफेस कहते हैं, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ कोहेजन, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स से अधिक है, इसलिए यहाँ पे ये जो सरफेस होता है ये ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ अगर हम देखेंगे, मान लीजिए अगर बारिश हो रही है तो हम देखते हैं कि बारिश का बूंद जब गिरता है तो वो स्फेरिकल शेप में हो जाता है या गोलाकार में, तो वो क्यों होता है, वो भी सरफेस टेंशन के वजह से होता है, ठीक है। तो ये तो मेन सरफेस टेंशन का जो डेफिनेशन है उसको हम ऐसे लिखते हैं कि एकांत लंबाई पर जो तनन बल लग रहा है उसे ही सरफेस टेंशन कहते हैं, ठीक है। और सरफेस टेंशन के बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे
कैपिलरी एक्शन। अब हम कैपिलरी एक्शन को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में केशिकत्व कहते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है? इसमें हम लोग 6 mm या उससे भी कम डाया का ट्यूब लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग लिक्विड से भरे कंटेनर में या बर्तन में डुबाते हैं, और उससे क्या होता है कि एडहेशन और कोहेजन फोर्स के कारण उसका जो नॉर्मल सरफेस सतह होता है वो या तो ऊपर उठ जाता है या तो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो हम उसको देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए अगर पानी ले लें, वाटर का केस कंसिडर करें, ठीक है। तो पानी में हम देखते हैं कि चिपकने का गुण होता है। अगर पानी को अगर हम ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास से चिपक जाता है, यानी कि उसमें एडहेशन फोर्स का गुण होता है, फोर्स ऑफ एडहेशन का गुण होता है। एडहेशन फोर्स क्या होता है? दो अलग अलग पदार्थों के मध्य लगने वाले फोर्स को हम फोर्स ऑफ एडहेशन कहते हैं, ठीक है। तो एडहेशन फोर्स होने के कारण ये जो सरफेस होता है, पानी का सरफेस ग्लास से चिपकना चाहता है तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता है। हमें उतना समझ में नहीं आता है देखेंगे तो, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ऊपर उठता है ग्लास में वाटर को डालने पर, पानी को डालने पर, ठीक है। एडहेसिव फोर्स के कारण ये ग्लास से चिपकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर उठ जाता है, इसी को हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं। दूसरा, अगर हम मरकरी का केस कंसिडर करें, मान लीजिए ये कंटेनर है, अगर इसमें मरकरी भरा है तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स का, मरकरी के कण का एक दूसरे से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अधिक होता है, वो एक दूसरे से ज़्यादा चिपकते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि ये नॉर्मल सरफेस से थोड़ा नीचे चला जाता है, ठीक है। ये अपने ही, मतलब ये मरकरी की तरफ ही अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये ग्लास से नहीं चिपकना चाहेगा क्योंकि इसमें कोहेसिव फोर्स अधिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा नॉर्मल सरफेस से, मान लीजिए अगर यहाँ तक है तो ये नॉर्मल सरफेस से थोड़ा नीचे चला जाता है, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है? इसमें कोहेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, कोहेजन फोर्स जाता है, और ये जो होता है ये नॉर्मल सरफेस से थोड़ा उठ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ग्लास से चिपकना चाहता है। इसका जो सरफेस होता है ये कॉनकेव हो जाता है, और इसका जो सरफेस होता है ये कॉन्वेक्स बन जाता है, ठीक है। और अगर हम एक और केस देखें, ये तो मरकरी है, सिंबल इसका HG होता है। एक और केस अगर हम देखें, मान लीजिए सिल्वर, तो सिल्वर पे कोई कैपिलरी एक्शन नहीं होता है। इसमें अगर ट्यूब को डुबाएंगे सिल्वर में, AG में, इसका सिंबल AG होता है, तो इसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, यानी 6 mm तक या उससे कम डाया वाले ट्यूब को जब लिक्विड से भरे बर्तन में डुबोते हैं तो वो अपने नॉर्मल सरफेस से, नॉर्मल सतह से, जिस सतह पर है उससे या तो ऊपर उठता है या तो नीचे जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कैपिलरी एक्शन, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट एंगल, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श कोण, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो है, रुकिए, कॉन्टैक्ट एंगल जिसको हम लोग स्पर्श कोण कहते हैं, ठीक है। अभी हम वाटर का बनाए थे, जिसको हम कहे थे ये अपने नॉर्मल सरफेस से ऊपर उठ जाता है एडहेशन के कारण, ठीक है। अगर हम, ये वाटर है, अगर हम मरकरी को कंसिडर करें, ये अपने नॉर्मल सरफेस से नीचे चला जाता है एडहेशन के कारण। और अगर हम सिल्वर को कंसिडर करें, सिल्वर को देखें, तो ये इसमें कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो लिक्विड और सॉलिड के संपर्क पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट, अभी समझ में आएगा,
लिक्विड और सॉलिड के संपर्क पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट सॉलिड के सरफेस से जो एंगल बनाता है, ठीक है, उसे हम कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इस केस में कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, मान लीजिए ये इसका ट्यूब है, ये इसका इतने सरफेस से ये उठा, ठीक है, इससे ये कॉनकेव सरफेस बनाया, तो ये सॉलिड और लिक्विड के मध्य टेंजेंट खींचने पर ये जो एंगल बन रहा है इसको हम कॉन्टैक्ट एंगल कहेंगे। एच जी के केस में देखें, ये वाटर का केस था, एच जी के अगर केस में देखें, ठीक है, तो लिक्विड और सॉलिड के मध्य कॉन्टैक्ट एंगल जो बन रहा है टेंजेंट खींचने पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट एंगल कहते हैं। और वॉट इसको कंसिडर करें तो ये तो उठता ही नहीं है, इसमें जो होता है इसमें थीटा जो होता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है, देखिए 90 से कम है, इसमें जो होता है इसमें ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ये यहीं पे लिख देते हैं, चलिए इसमें 90 डिग्री से कम है और इसमें थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है, ये नहीं उठेगा सिल्वर के केस में, उल्टा हो गया क्या, ये मरकरी है और ये सिल्वर है, ठीक है। अब दूसरी चीज, और अगर हम वाटर का राइज और फॉल, कितना वाटर उठ रहा है कितना नीचे गिर रहा है, अगर उसको हम देखें तो उतना तो अभी हमको ज़रूरी नहीं है और वो एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा वो फॉर्मूला, लेकिन फिर भी अगर चाहे तो देख सकते हैं कि अगर हम इसी बेसिस पर अगर हमको वाटर कितना नीचे उठ रहा है या कितना गिर रहा है वाटर अपने नॉर्मल सरफेस से अगर कैलकुलेट करना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है, ये हम अपने लिए या कहते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए रख सकते हैं, जिसमें सिग्मा क्या होता है, सरफेस टेंशन, रो क्या होता है, डेंसिटी, जी क्या होता है, ग्रेविटी का वैल्यू, और डी क्या होता है, डाया ऑफ ट्यूब, ठीक है, डाया ऑफ ट्यूब हमेशा याद रखिएगा, बहुत छोटा लेते हैं, 6 mm से भी 6 या 6 से कम लेंगे, ठीक है। फॉल, इसके बाद